ओके सो सबसे पहले आपकी भी हाल ही में शादी हुई है उसके बारे में एंड कोको की बाइक को उसके बारे में ये हैशटैग के बारे में आपका भी हैशटैग बना है आई गेस उसके बारे में और इसके बारे में क्या कहना चाहोगे यार सबका एक अलग ही रीज़न होता है हैशटैग का हमारा जस्ट दिल एंड अली रहा है क्योंकि हमने हमेशा वही किया है जो दिल ने कहा है तो हमने जस्ट दिल एंड अली कर दिया इनका हैशटैग भी बड़ा क्यूट है इनकी पर्सनालिटी में जा रहा है बड़े फन लोग हैं तो आई थिंक हैशटैग दो लोगों को एक साथ कर देता है इसीलिए हैशटैग होता है और सबसे प्यारी चीज़ ये होती है कि शादी आप खुद की मर्ज़ी से करते हो आपके माँ बाप ऊपर वाले आपके माँ बाप के रिश्ते रिलेशन सब कुछ बना के भेजते हैं तो वैसे ही हैशटैग होता है कि हम हैशटैग नहीं हम खुद मिल के हैशटैग बनाते तो एक एक स्वीट मोमेंट होता है। मैम आप क्या कहना चाहोगे शादी के बाद एयरपोर्ट पर भी स्पॉटिंग होती है हमने कई बार भी इनके देखे थे फोटोग्राफ्स आप कुछ बताना चाहोगे ये न्यू लाइफ किस तरह से आप देख रहे बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहले मुझे सिर्फ मेरे नाम से जाना जाता था बट अब मुझे लोग अली की वाइफ के नाम से जानते हैं जिसकी वजह से मुझे अपने आप को और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ कंडक्ट करना होता है बिकॉज मैं अली को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर लेकिन अच्छा भी लगता है कि मैं अली के नाम से भी जानी जाती हूँ। अली भाई ने बिग बॉस गए थे बट इस जिस तरह इस बार अंकिता और विकी गए बिग बॉस अगर ऑफर आता है आप दोनों को जाने का तो क्या होगा आपसे सुनना चाहूँगा अगर आता है मैं तो नहीं चाहूँगी क्योंकि अली भाई साथ में रहेंगे फिर भी नहीं आई थिंक इट्स नॉट अ कपल शो आई थिंक यहाँ पे आपको अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी दिखाने का मौका मिलना चाहिए एज अ कपल आप जाते हैं तो आप एक दूसरे में ज़्यादा खो जाते हैं जो आई थिंक अंकिता एंड विकी के साथ हुआ था तो इसलिए मैं तो नहीं जाना चाहूँगी। बट ऐसे कौन से शो में आप जानना चाहोगे अली भाई के साथ कोई ऐसा इस वक्त मेरी फिल्म आ रही है तो आई थिंक इस वक्त हम और मैं दो फिल्म कर रहा हूँ तो मैंने एक अलग जर्नी ली है तो मुझे अभी उसका इंतजार है 3-4 महीनों में वो आ जाएगी उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। किस तरह की फिल्म आने वाली है? नवाज भाई के भाई फैजुद्दीन सिद्दीकी ने प्रोड्यूस किया है उन्होंने लिखा है तो बहुत ही प्यारी फिल्म है बहुत ही ह्यूमन फिल्म है जैसे 12th फेल है और इन जॉनर्स की फिल्म शादाब भाई ने डायरेक्ट की है शादाब खान जिनकी बीए पास नेटफ्लिक्स पे है बीए पास 2 और एक्स और वाई और बहुत सारी फिल्म ओलिविया अराबिया हॉटस्टार पे तो बहुत ही अमेजिंग टीम के साथ मैं रहा हूँ क्योंकि मेरा रीज़न लॉकअप रियलिटी शो करने का ये था कि यार एक फिर से एक यू नो एक लोग थोड़ा सा जानना शुरू करते क्योंकि बहुत सालों बाद आया था फिर एक वेब सीरीज़ आई है अब माशाल्लाह एक फिल्म आ रही है तो आई थिंक मैं मुझ में बहुत पेशेंट है। इतनी बड़ी हैप्पीनेस भी हुई शादी जी जी बिल्कुल ऑफकोर्स उससे उसी के साथ सब कुछ एक्चुअली भले ये लिस्ट बड़ी होती गई लिस्ट बढ़ती जा रही है यू नो तो अब मैं देना चाहता हूँ थोड़ा सा टाइम आई थिंक फिल्म आने के बाद मैं डिसाइड करूँगा मुझे क्या करना है। बट एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा अगर मैम को जिस तरह मीडिया लोग को अगर रिप्रेजेंट करना रहेगा कोई ऐसा शो जो आपको पसंदीदा हो जो आप जाना चाहोगे मैम की तरफ आई थिंक नच बलिए प्रोबेबली डांस रियलिटी शो मे बी यू नो लेकिन देखते हैं यार क्या है ना कि बहुत सालों तक आप रुकते हो एक अच्छी थिएटर फीचर फिल्म आए यू नो और फिर जब वो मिलता है तो फिर आपको रुकने का मन करता है फिर आपको और कुछ दिखाई नहीं देता तो इस वक्त मुझे सिर्फ वही दिख रहा है और वही प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं क्योंकि मैं एक और फिल्म वापस से शूट करने जा रहा हूँ वो भी बहुत ही उमदा कलाकारों के साथ है तो आई थिंक मैं थोड़ा जर्नी शिफ्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू